अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। भिवंडी के वंजारपट्टी नाका फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से कब्जा की गई दुकानों को हटवाने के लिए भिवंडी की महापौर श्रीमती प्रतिभा पाटिल खुद सड़क पर उतरी, जो कि भिवंडी की ट्रैफिक का मुख्य कारण था। विभाग अधिकारी और वार्ड कॉरपोरेटर भी थे साथ। भिवंडी से खनन के मामले में शाहिद अली पीरजादे की शिकायत पर हुई FIR के चौथे आरोपी जाफर अंसारी को आज शांतिनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मामला 15 लाख रुपए की फिरौती का है, जिसमें बिल्डर ने 2.5 लाख रुपए जाफर अंसारी को दिए थे। थाने के पति पत्नी पर 80 लाख रुपए की ठगी का मामला दर्ज। थाने के नौपाड़ा में मनोज और मोनिका पवार 40 लोगों से चिटफंड में हैवी रिटर्न के लालच में 80 लाख रुपए ऐड कर हुए फरार। नौपाड़ा पुलिस ने 400BC का मामला किया दर्ज। पिछले एक महीने से प्लास्टिक बैन को संजीदगी से पालन कर रहे कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्पेशल टीम के साथ फेरी वालों ने की मारपीट। कल्याण की लक्ष्मी मार्केट में फेरी वालों के पास प्लास्टिक बैग मिलने पर KDMC अधिकारियों ने फेरी वाले शोएब कुरैशी से 5,000 रुपए मांगा, जिस पर चिढ़ते हुए शोएब कुरैशी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अधिकारियों की पिटाई कर दी। कल्याण के महात्मा फुले पुलिस स्टेशन में हुआ मामला दर्ज। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कमर्शियल एड्स बटोरने के चक्कर में रिपब्लिक TV और अन्य दो मराठी चैनल्स ने फेक TRP रिपोर्ट की है, जिसके पलटवार में अर्नब गोस्वामी ने मुंबई पुलिस कमिश्नर पर डिफेमेशन केस फाइल करने की बात कही है। आज यूनियन मिनिस्टर और लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ रामविलास पासवान का 74 वर्ष की उम्र में हुआ देहांत। कई दिनों से हार्ट सर्जरी से उभर रहे थे, दिल्ली के हॉस्पिटल में लिया अंतिम सांसें। बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी जानकारी। हैंडीकैप और कैंसर पेशेंट को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से बड़ी राहत। सरकार ने हैंडीकैप और कैंसर पेशेंट को लोकल ट्रेन में सफर करने की दी अनुमति। लॉकडाउन के बाद सिर्फ एसेंशियल सर्विस वाले कर रहे थे लोकल ट्रेन में सफर। दिल्ली से बेंगलुरु फ्लाइट में बीच हवा में एक महिला ने प्री मैच्योर बच्चे को दिया जन्म। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ और सुरक्षित है। फ्लाइट के क्रू मेंबर ने महिला को बच्चे को जन्म देने में की मदद। इस साल भी फोर्ब्स मैगजीन में इंडिया के टॉप 100 रिचेस्ट में मुकेश अंबानी का पहला स्थान। लगातार 13 साल से मुकेश अंबानी नंबर 1 पोजीशन पर है, जिनका नेटवर्थ $88 बिलियन का है, करीब 6,60,000 करोड़। आज सेंसेक्स 303 अंकों की बढ़त के साथ 40,182 पर हुआ बंद। वही निफ्टी 96 अंकों की बढ़त के साथ 11,834 पर हुआ बंद। गोल्ड 127 अंकों की बढ़त के साथ 50,175 पर हुआ बंद और क्रूड ऑयल 109 अंकों की बढ़त के साथ 3,025 पर हुआ बंद। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी टॉप 10 न्यूज़। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई टॉप 10 के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड थैंक यू।